दोस्तों, हम सभी अपनी सुरक्षा के लिए परेशान रहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित लोग कौन से हैं? वे कौन से लोग हैं जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए सैकड़ों फौजी तैनात रहते हैं? अगर आपके मन में ये कभी ये सवाल आए हैं तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित लोगों की। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो लोग कौन हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि उनमें कितने भारतीय शामिल हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मोस्ट प्रोटेक्टेड सीईओ की बात करें तो हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर है मार्क जुगरबर्ग। आज के समय में फेसबुक से जुड़ी कोई भी बात सीक्रेट नहीं रह गई है। फिर भले ही वह फेसबुक के सीईओ मार्क जुगरबर्ग के निजी सुरक्षा बजट ही क्यों ना हो, हम सब के डाटा के बॉडीगार्ड मार्क अपने बॉडीगार्ड पर कितना खर्च करते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? साल 2015 के बाद से मार्क जुगरबर्ग ने अपनी सुरक्षा के लिए करीब 20 मिलियन यूएसए डॉलर तक खर्च किए हैं, जिसमें से 7 मिलियन यूएसए डॉलर तो सिर्फ उनके बॉडीगार्ड्स, उनके घर और उनके ट्रैवलिंग के दौरान की जाने वाली सुरक्षा पर ही खर्च होता है। इन बॉडीगार्ड्स को अक्सर जुगरबर्ग की सीक्रेट पुलिस भी कहा जाता है। अब ऐसे में तो जुगरबर्ग काफी प्रोटेक्टेड सीईओ है। नंबर 9 पर है पोप फ्रांसिसी। पोप फ्रांसिसी के बिशप होने के साथ साथ ही दुनिया के एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट भी हैं। कैथोलिक चर्च के मुखिया होने के नाते उन्हें भी उतनी ही सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है जितने कि किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को। पोप दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित और हथियार बंद यानी कि आर्मेड देश में रहते हैं, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। अगर आप वहां की गलियों से गुजरेंगे तो आप वहां आर्मर और भाले से लैस सिपाहियों को सुरक्षा में तैनात पाएंगे। भले ही ये सिपाही पॉप की सुरक्षा के लिए भाले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि सिवी सेना के पूर्व सेवा दे चुके सिपाही होते हैं। जरूरत के वक्त पर ये अपने पास ही छुपाए हुए हथियारों से शत्रु पर टूट पड़ते हैं। सिवी गार्ड करीब 500 साल पुरानी सेना है, जिसे पहली बार वर्ष 1506 में पॉप जूलियस सेकंड द्वारा किया गया था। क्यों दोस्तों, आप ही बताइए ना कि इतने खास धर्म गुरु की सुरक्षा के लिए सिविस गार्ड से बेहतर भी कोई हो सकता है क्या? दोस्तों, वीडियो में इसी तरह बने रहिए क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे नाम जिनके प्रोटेक्शन को सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नंबर 8 पर है द मोस्ट प्रोटेक्टेड सेलिब्रिटी कपल ब्यूनेस एंड जेजेड। फेमस सिंगर ब्यूनेस और उनके पति जेजेड को अक्सर उनके फैंस या किसी क्रिमिनल से जान का खतरा होता है। ब्राजील में जब एक फैन ने स्टेज पर चढ़कर ब्यूनेस को धक्का देकर गिरा दिया, उस घटना के बाद से जेजेड ने अपनी और अपनी वाइफ की सिक्योरिटी पर लाखों डॉलर खर्च करने का डिसीजन लिया। जेजेड ने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए 5 ऐसे गार्ड्स को तैनात किए जो कि पूर्व में इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं। अब जब उनकी निजी सुरक्षा एश्योर्ड हो चुकी है तो उन्होंने अपने लॉस एंजल्स स्थित घर को चारों तरफ से सिक्योरिटी कंपाउंड बनाने का फैसला किया था, जिसमें होने वाला खर्च करीब 88 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 8,80,00,000 डॉलर तक का माना गया। सिक्योरिटी के लिहाजे से दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है, लेकिन ब्यूनेस और जेजेड के आगे कुछ भी नहीं। नंबर 7 पर है व्लादिमीर लेनिन। हमें से बहुत से लोगों को यह जानकर अजीब लगेगा कि सुरक्षा की जरूरत सिर्फ जीवित लोगों को ही नहीं बल्कि मृत व्यक्तियों को भी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर लेनिन के मृत शरीर यानी कि कब्र की, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर वार में है। साल 1924 में उनकी डेथ के बाद उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और तब से ही अगर युद्ध के समय के कुछ अपवाद छोड़ दें तो इस कब्र की सुरक्षा में एक राष्ट्रीय गार्ड 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन तैनात रहता है और ऐसा पिछले 95 सालों से होता आया है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि लेनिन का शरीर रूस के लिए एक बेशकीमती धरोहर की तरह है। मृत व्यक्ति की इस तरह सुरक्षा करना वाकई हैरान करने वाली घटना है। नंबर 6 पर है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का अब तक का शासन काल शानदार रहा है। वह यूके की पहली महारानी है जिन्होंने 2017 में शासन के 65 वर्ष पूरे किए। क्वीन को रॉयल गार्ड्स द्वारा सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। रॉयल गार्ड्स उन सिपाहियों और हॉर्स राइडर को कहा जाता है जिन्हें
राजमहल तथा राजा और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। वैसे तो क्वीन की सुरक्षा में किया जाने वाला खर्च उनकी निजी संपत्ति से किया जाता है, फिर भी यह काफी ज्यादा होता है। महारानी और उनके परिवार के 21 सदस्यों की पूरी निगरानी में किया जाने वाला खर्च करीब 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड था। जी हाँ, सही सुना आपने, 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड। दोस्तों, सुरक्षा के मामले में इंडिया में भी कई लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, तो हमारी लिस्ट में भारत के भी कई लोग शामिल हैं जिन्हें हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिलता है। नंबर 5 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के सबसे प्रोटेक्टेड इंटरेस्टेड लिस्ट हैं। अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंबानी का व्यापार भारत के बाहर भी चलता है। भारतीय इंडस्ट्रियल लिस्ट मुकेश अंबानी के पास टेलीकॉम सेक्टर के बिजनेस होने के साथ साथ ही ऑयल रिफाइनरी में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है दोस्तों। और इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस IPL में एक फ्रेंचाइजी की ओनर भी है। मुंबई इंडियंस के नाम की इस फ्रेंचाइजी को रिलायंस के साथ ही और भी कंपनियां भी स्पॉन्सर करती हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति लगभग 4650 US डॉलर है। मुकेश अंबानी की सुरक्षा के लिए भी काफी ज्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं। मुकेश अंबानी हर साल लगभग 1,80,00,000 रुपए अपनी सुरक्षा पर खर्च करते हैं। उनके परिवार और स्टाफ की सुरक्षा को जोड़ दें तो यह रकम और बढ़ जाती है। इन्हीं कारणों से वे भारत के दूसरे सबसे सुरक्षित व्यक्ति बनते हैं। नंबर 4 पर है नॉर्थ कोरिया के टॉप मिनिस्टर किम जोंग उन। इनकी सिक्योरिटी सिस्टम ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। लोग इस बात से हैरान थे कि कोई इंसान कैसे हर सेकंड अपनी हत्या होने के डर के बीच जीता होगा और उसे हर पल लगता होगा कि उसका कॉम्पिटिटर ही उसकी मर्डर की प्लानिंग कर रहा होगा। भले ही किम जोंग उन के पास अपनी कोई निजी सिक्योरिटी सर्विस नहीं है, लेकिन उसकी सेना में करीब 10,000 ऐसे सिपाही हैं जो सीधे उसी को रिपोर्ट करते हैं। इन सिपाहियों को सुप्रीम गार्ड कहा जाता है और ये हमेशा बिना किसी के नजर में आए चुपकर ही किम जोंग की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। द मोस्ट प्रोटेक्टेड प्रेसिडेंट की बात की जाए तो नंबर 3 पर आते हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के बाकी नेताओं की तरह ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस द्वारा ही उठाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। पुतिन की सुरक्षा में शामिल गार्ड्स के बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं है और ना ही कभी इससे जुड़ी कोई पब्लिक रिपोर्ट या डाटा भी लोगों के लिए उपलब्ध किया गया है। यह इतनी खुफिया है कि इसके वर्किंग और प्लानिंग्स के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जब से रूस के राष्ट्रपति का पद संभाला है तब से ही ये खुद भी एक कॉन्ट्रोवर्सियल हस्ती बने हुए हैं। भले ही रूस में इनकी कोई बड़ी मूर्ति नहीं बनाई गई है, इसके बावजूद भी वे लोगों के चहेते बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन के कट्टर होने के कारण भारी मात्रा में इनका विरोध भी होता रहा है, जिस कारण पुतिन पर जान का खतरा हमेशा बना रहता है और इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी और अहम है। द मोस्ट प्रोटेक्टेड बिलियनियर यानी कि सबसे सुरक्षित अरबपति की बात की जाए तो हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर डोनाल्ड जे ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन और अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनकी सालाना कमाई $3.1 बिलियन के करीब है। राष्ट्रपति बनने के कारण स्वाभाविक रूप से उनकी सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी हो जाती है और इसका मतलब है कि उनकी सुरक्षा पर अधिक खर्च भी किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके परिवार की सुरक्षा पर करीब सालाना $16 मिलियन खर्च किए जाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के 10 हफ्ते बाद ही इस बजट को बढ़ाकर सालाना $29 मिलियन तक का कर दिया गया। डोनाल्ड की पर्सनल सिक्योरिटी के साथ ही उनके घर व्हाइट हाउस को भी हद से ज्यादा सुरक्षा में रखा जाता है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा अपनी सिक्योरिटी में इतने पैसे खर्च नहीं करते थे, जबकि उनके परिवार के लोग भी उनके साथ व्हाइट हाउस में ही रहते थे। ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है, इनका परिवार व्हाइट हाउस में रहना पसंद नहीं करता। दोस्तों, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर कौन है। तो पहले नंबर पर और कोई नहीं बल्कि इंडिया भारत के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड यानी कि SPG सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी को SPG की सुरक्षा दी गई है। यह ऐसी सुरक्षा है जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। बेशक राष्ट्रपति के पास भी अपने निजी गार्ड्स हैं, लेकिन SPG बेहद प्रोफेशनल, चतुर, ट्रेंड और हथियारों से लैस जवान होते हैं जो हर सेकंड प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में मौजूद
मौजूद रहते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से ही विभिन्न आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन इत्यादि संगठनों में धमकियां मिलती रही हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा बढ़ाना बेहद ही जरूरी हो गया था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सुरक्षित इंसान जिनके बारे में आज हमने आपको हमारे इस वीडियो में बताया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही लौटेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा।